हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है गूगल ड्राइव क्लोन का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में गाइस हमने क्या करा था, हमने सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट बनाया था, जिसमें हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अपना हेडर, साइड बार एंड ये अपने डेटा वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया था। जैसे कि मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था कि आज ये लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, एंड इसमें हम ऑथेंटिकेशन मतलब विदाउट ऑथेंटिकेशन के, अगर जैसे ये मेरी एग्जिस्टिंग ऐप है जो मैंने बनाई थी, लॉगिन करता है यूज़र तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये डेटा सारा डायनेमिक होगा एंड ये फाइल सारी डायनेमिक होंगी जो भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आएगा, वो अभी हमने इसमें नहीं बनाया। जैसे कि अगर एग्जिस्टिंग ऐप में देखोगे, यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अगर हम कोई भी फाइल अगर मैं डेस्कटॉप से उठाता हूँ और अपलोड करता हूँ, द मोमेंट मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पर अपलोडिंग लिखा हुआ आएगा, और अपलोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी वो सेम फाइल अपलोड भी हो गई होगी। ठीक है, ये देखो, तो ये पार्ट डायनेमिक पार्ट हमें कंप्लीट करना है। एंड गाइस, अगर किसी को भी इसको बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में जो है हर क्लोन का, जितने भी क्लोन मैंने अभी तक रिएक्ट पे बनाए हैं, हर क्लोन का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स कोड को। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। बैकएंड हम स्टार्ट करेंगे गाइस। बैकएंड के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज़ करेंगे फायरबेस, जिसमें हम फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, फायरबेस का स्टोरेज यूज़ करेंगे, रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना console.firebase.google.com खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी दूसरे अकाउंट से स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा गूगल ड्राइव क्लोन YT। ठीक है, एंड मैं प्रोजेक्ट नेम कंसिडर एडिंग फायरबेस। ठीक है, मैंने कंटिन्यू करा और क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं मेरा प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिनिशिंग अप। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट गाइस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, हमें इसमें ऑथेंटिकेशन गाइस अनेबल करना है। तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, ऑथेंटिकेशन पे मैं गया, गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन गाइस हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर, गूगल वाला। ठीक है, तो इस पर आप सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करोगे, अनेबल कर दोगे, एंड यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे गाइज ये गूगल ऑथेंटिकेशन मेरा अनेबल हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ गाइज हमें चाहिए होगी फायर स्टोर का डेटाबेस, जिसमें हम सारा डेटा भी स्टोर करेंगे। जैसे जो भी डेटा यहाँ से ये आ रहा है डायनेमिकली, इसको स्टोर करने के लिए हमें फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करना है। क्रिएट डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं तो हम टेस्ट मोड में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, अनेबल कर दूंगा। ठीक है, द मोमेंट ये अनेबल होता है, उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए होगी गाइस। यहाँ पर तो हमारे सारे डेटा एक फॉर्मेट में स्टोर होगा, राइट, लेकिन हमें एक्चुअल फाइल भी तो कहीं पे स्टोर करनी है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस भी अनेबल हो चुका है। नेक्स्ट हमें करना है स्टोरेज, ये जो स्टोरेज है इस पर आप क्लिक करोगे और ये ऑलरेडी गाइस अनेबल ही होगा। ठीक है, बस इसमें हमें रूल्स को क्या करना है, सिर्फ रूल्स में आपको जाना है और यहाँ से थोड़ा सा इसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी रूल्स में। अलाउ रीड राइट हम सिर्फ कर देंगे यहाँ पर, एंड ये आगे का हम सारा हटा देंगे। ठीक है, इसको पब्लिश कर देंगे अभी के लिए, ये सिर्फ टेस्ट मोड के लिए है गाइस। ठीक है, जब आपकी ऐप प्रोडक्शन मोड में होगी तो आपको इसको एज इट इज़ रखना है जैसे ये पहले था। ठीक है, ये सारा चीज़ हमारी अनेबल होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिंपल छोटा सा सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग में आप जाएंगे, नीचे आप आएंगे, यहाँ पर ये वेब का आइकन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सिंपली ऐप का नाम दे दो, गूगल ड्राइव क्लोन YT मैंने दे दिया, सेम नेम है। आल्सो सेटअप होस्टिंग, एंड यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, रजिस्टर अपनी ऐप को रजिस्टर कर दूँगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने अभी तक फायरबेस टूल अपने में इंस्टॉल नहीं करा, तो सबसे आप जो है ये तो चलो हम अभी बाद में करेंगे,
npm install firebase, लेकिन ये ग्लोबली आपको फायरबेस टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सिंपली इसको कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ग्लोबली है मेरे में, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इतना पार्ट गाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें नीचे आना है, यहाँ से सिंपली कन्फिग फाइल हमें मिलेगी, इसको हमें कॉपी करना है। अपने प्रोजेक्ट में आप जाएंगे सिंपली जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, और मैं यहाँ पर src फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना दूंगा गाइज, firebase.js, ठीक है। और यहाँ पर अपनी फाइल कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। उसके बाद गाइज हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होगा कि हमें चाहिए होगा फायरबेस जेट चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है गाइज, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ npm install, ठीक है, npm install firebase, ठीक है। और फायरबेस का मुझे एक स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, जैसे तो @8.8.8.1 मैं कर दूंगा और इसको इंस्टॉल, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसमें इंपोर्ट कर देंगे आप इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। आपने फायरबेस को इंपोर्ट करा, दूसरी चीज़ आपको कन्फिग फाइल मिल चुकी है, ठीक है। कन्फिग फाइल आपको मिल चुकी है तो आपको अपनी ऐप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बताना पड़ेगा ऐप को कि हमें इस फाइल, इस कन्फिग फाइल के साथ, मतलब जिस भी प्रोजेक्ट की ये कन्फिग फाइल है, जहाँ पर ये डोमेन API की ये सारे होते हैं, कौन सा स्टोरेज यूज़ करना है, इसके साथ हमें कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं गाइज, मैं लिखता हूँ सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ, फायरबेस ऐप इज इक्वल टू फायरबेस डॉट इनिशियलाइज। अभी चलो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम द मोमेंट इंस्टॉल होता है फिर हमारा सब कुछ अप एंड रनिंग होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना टाइम और लगाते हैं इंस्टॉल होने में। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड डन, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर गाइज, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज ऐप, एंड कौन सी ऐप को हमें इनिशियलाइज करना है, ये कन्फिग फाइल को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक हमें डेटाबेस चाहिए होगा जहाँ पे हम डेटा एंटर करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस ऐप डॉट फायर स्टोर हमें यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा स्टोरेज, तो मैंने लिखा स्टोरेज इज इक्वल टू फायरबेस डॉट स्टोरेज, ठीक है। और हमें ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, तो हम लिखेंगे ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑथ, ठीक है। एंड कौन से प्रोवाइडर का ऑथ हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं कई बार अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मतलब जब हम क्लिक करते हैं साइन इन पे तो पॉपअप किसका आना चाहिए, तो हम चाहते हैं गूगल का आना चाहिए ना, तो हमने लिखा न्यू फायरबेस डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, ये हमें चाहिए होंगे। और ये सारे गाइज हम कर देंगे एक्सपोर्ट वन बाय वन, जैसे हमें चाहिए होगा डेटाबेस, हमें चाहिए होगा स्टोरेज, ऑथ एंड प्रोवाइडर, ठीक है। इतना काम हमारा अप एंड रनिंग है, इतना हमारा हो चुका है। उसके बाद अगर हम अपनी ऐप में जाएंगे, यहाँ पर इसका भी कोई काम नहीं है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि जब हम इस न्यू पर क्लिक करें तो एक पॉपअप आए, जैसे कि मेरे एग्जिस्टिंग ऐप में आ रहा है, न्यू पे मैंने क्लिक करा, पॉपअप आया, फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया और अपलोड का बटन आया, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे है न्यू का बटन, आप सबको पता है अगर आपने पिछली वीडियो अपने फॉलो करी है, sidebar.js में अगर आप देखोगे ये हमारा न्यू का बटन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा गाइज, देखो हमें पॉपअप चाहिए होगा, मॉडल चाहिए होगा, ठीक है। तो मॉडल हम यूज़ करेंगे गाइज मटेरियल UI का, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ const, और यहाँ पर लिखता हूँ ओपन, मतलब मॉडल ओपन एंड क्लोज के लिए मैं ये बना रहा हूँ सेट ओपन, ठीक है। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल ओपन नहीं होगा, हम मतलब ये बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर हम अभी के लिए इसको ट्रू रख सकते हैं ताकि हमें मॉडल दिखता रहे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना होगा गाइज, पहले मैं मॉडल बना लेता हूँ, तो यहाँ पर चलते हैं रिटर्न के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको इस तरीके से बंद कर देता हूँ ताकि हम मल्टी लाइन कोड लिख सकें, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली एक बनाता हूँ मॉडल, ठीक है, जो कि कहाँ से हमें मिलेगा, देखो यहाँ पर मटेरियल UI कोड से हमें मिला, ठीक है, मॉडल मिला। और ओपन में हम बोल देंगे
कि इसको तभी ओपन करना अगर हमारा ओपन ट्रू होगा, ये जो हमने यहाँ पर अभी डिफाइन करा था, ठीक है, ओपन में ये होगा। एंड ऑन क्लोज, ऑन क्लोज पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा गाइस हैंडल, हैंडल क्लोज, ठीक है, जिसका नाम हैंडल क्लोज होगा सिंपली। और यहाँ से मैं इस मॉडल को करता हूँ क्लोज, इतना हमारा मॉडल हो गया क्लोज, ठीक है। ये फंक्शन भी हमें बनाना पड़ेगा। हैंडल क्लोज पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जबकि जब भी कोई हैंडल क्लोज को कॉल करेगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा और सिंपली सेट ओपन जो है वो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इतना काम हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा मॉडल बना और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल सिंपल ही चीज़ें होंगी, जैसे कि मैं एक यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, डिव जिसका क्लास नेम होगा गाइस मॉडल अंडरस्कोर पॉप, ठीक है। और एक फॉर्म बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें फॉर्म होगा, और एक डिव क्लास और बना देता हूँ, वो किसके लिए बना रहा हूँ मैं डिव, ये हैडिंग जो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट योर फाइल यू वांट टू अपलोड, ठीक है। मैंने इसका क्लास नेम क्या दे दिया, सिंपली मॉडल हैडिंग दे दिया, मॉडल हैडिंग मैंने इसका नाम दिया, और यहाँ पर मैं H3 के अंदर ये हैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक डिव और बनाते हैं जिसमें मैं सिंपली लिखता हूँ डिव क्लास नेम मॉडल बॉडी, ठीक है, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ एक इनपुट टाइप फाइल होगा, ठीक है, और एक होगा हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट जिसका क्लास नेम होगा, हम सिंपली लिख देते हैं इसका क्लास नेम पोस्ट सबमिट, ठीक है। तो इतना देखते हैं कि हमारा पॉपअप कुछ बन के आया कि, ये देखो ये हमारा पॉपअप यहाँ पर बन के आ चुका है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ आपको, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इसकी CSS करनी होगी पहले, तो CSS मैं गाइस सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर आप लोगों को वन बाय वन समझाता हूँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, sidebar.css, तो अभी हम sidebar के अंदर है, तो मैं सिंपली css में sidebar.css के अंदर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कर देता हूँ सारी css पेस्ट, और फिर आप लोगों को समझाता हूँ वन बाय वन की हो क्या रहा है। ठीक है, तो sidebar.css में हम आए और यहाँ पर जो css है गाइस, देखो सबसे पहले मॉडल पॉप वन बाय वन आपको समझा भी देता हूँ। ये जो मॉडल पॉप है इसको मैं css दे रहा हूँ, जो मैंने डिव बनाई है, इसको मैंने बोला टॉप से 50% चाहिए, बैकग्राउंड कलर वाइट चाहिए, विड्थ 500 होनी चाहिए, मार्जिन 0 एंड ऑटो मतलब सेंटर में आना चाहिए, पोजिशन रिलेटिव होगा, ट्रांसफॉर्म मतलब अगर टॉप से 50% है तो मतलब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल एंड बॉर्डर 10 पिक्सल, ठीक है। मॉडल हेडिंग में मैंने क्या बोला, जो ये H3 है, जो ये हेडिंग मैंने दे रखा है मॉडल हेडिंग, इसमें मैंने सिंपली बोला टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा, उसका बॉर्डर होगा 1 पिक्सल लाइट ग्रे का, हाइट 40 पिक्सल होगी, ठीक है। और ये जो सबमिट बटन मैंने बनाया था, ये सबमिट बटन की CSS है, विड्थ बैकग्राउंड पैडिंग कलर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म फॉन्ट साइज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अब आप देखोगे हमारा पॉपअप कुछ इस टाइप से बनकर हो गया है रेडी। सबमिट बटन की CSS नहीं आई, क्यों, क्योंकि हमने CSS में कुछ और क्लास दे दी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो गाइस कि इस तरीके से हमारा पॉपअप अब आ चुका है, अगर हम साइड पे क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम चाहते हैं गाइस कि किसके क्लिक पे ये खुले, हम चाहते हैं ये खुले, ये जो न्यू वाला बटन, ये जो बटन हमने बनाया था इसके बटन पे खुले, है ना, इसके बटन पे हम इसको खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, sidebar.js में मैं हूँ, बटन पे चलते हैं, और बटन पे मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर दूँगा हैंडल ओपन, ठीक है। अब हैंडल क्लोज जैसे जिस तरीके से हमने बनाया था, सेम इसको हम बना देंगे हैंडल ओपन, कॉन्स्ट हैंडल ओपन, और इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, सेट ओपन को कर देंगे ट्रू, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप की वैल्यू हम रखते हैं फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करता हूँ पॉपअप खुल जाएगा, बाहर क्लिक करता हूँ बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना काम भी हमारा हो गया पॉपअप का,
ठीक है गाइस, इतना काम हमारा कंप्लीट है। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? अच्छा, एक स्टेट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और कि जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपलोडिंग लिखा हुआ है, ना कि ये फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लेट सपोज मैं करता हूँ अभी के लिए कॉन्स्ट, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ अपलोडिंग, कि भाई अभी हमारी अपलोडिंग हो रही है, और यहाँ पर लिखता हूँ सेट अपलोडिंग। ठीक है, और इसमें भी दे देता हूँ यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं अभी कर देता हूँ ट्रू कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं जाता हूँ अपलोडिंग में। ठीक है, और अपलोडिंग में हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब अपलोडिंग हो रहा हो तो ये फॉर्म ना दिखे हमारा, है ना। तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ अपलोडिंग अगर हो रहा है तो यहाँ पर आप सिंपली एक पी टैग दिखाओ, जिसकी क्लास नेम होगी, इसकी सीएसएस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्लास नेम होगी अपलोडिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली इसको लिख रहे होंगे अपलोडिंग। ठीक है, और अगर अपलोडिंग नहीं हो रही होगी तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन हो रहा है तो इसको मैं सिंपली इस तरीके से रैप कर देता हूँ। तो अगर अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अपलोडिंग को ट्रू रखा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, कि भाई फाइल अपलोड हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हम अपलोडिंग को कर देंगे फॉल्स, जब अपलोडिंग हो रही होगी एक्चुअल में उस टाइम हम अपलोडिंग को कर देंगे ट्रू। तो अभी हमारा अपलोडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइज हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब भी कोई ये फाइल पे चेंज करे, मतलब जैसे ये सेलेक्ट करे और इसमें कुछ भी चेंज हो, तो हमारा एक इवेंट कॉल हो। ठीक है, इवेंट कॉल हो। तो यहाँ पर हमने जो इनपुट टाइप फाइल दे रखा है, इसको हम सिंपली बोल रहे हैं कि ऑन चेंज पे आप क्या करना, ऑन चेंज पे आप हैंडल चेंज नाम से एक फंक्शन होगा, उसको कॉल कर देना सिंपली। ठीक है, और सिंपली हम एक चीज़ और करेंगे, ये सबमिट बटन के क्लिक पे भी हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे आप क्या करना, अपलोड कर देना फाइल को। जब आप पे कोई क्लिक करे तो आप सिंपली हैंडल अपलोड को कर देना। तो अभी हम ऑन चेंज पे काम करेंगे। हैंडल चेंज में बेसिकली क्या होगा, जब भी इसमें कोई चेंजेस होंगे हैंडल चेंज में, तो हैंडल चेंज हमें बनाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पर सिंपली मैंने कॉन्स्ट हैंडल चेंज एक बनाया फंक्शन, एक फैट एरो फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो हैंडल चेंज में हम बेसिकली क्या चाहते हैं गाइस, हैंडल चेंज बेसिकली एक इवेंट लेगा। ठीक है, और वो इवेंट हम क्या चाहते हैं कि जो भी इवेंट आएगा इसमें हैंडल चेंज में, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर हैंडल चेंज में आपको एक इवेंट दिखाऊं कि इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, लेट्स से मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो इसमें हमारा ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और एक ही फाइल आएगी, तो हमें पे जीरो करके मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, हैंडल अपलोड इज़ नॉट डिफाइंड। तो सिमिलरली हम इसको हैंडल अपलोड भी डिफाइन कर देते हैं, जो मैंने सबमिट बटन पे कॉल कराया, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं करा रहा मैं। ठीक है, तो अब लेट्स सी कंसोल में चलते हैं क्या होता है जब भी हम हैंडल चेंज को कॉल करते हैं। कंसोल क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप देख पाओगे फाइल का, जैसे ही मैंने हैंडल चेंज पे क्लिक करा, मुझे फाइल का नेम मिल चुका है, लास्ट मॉडिफाइड, ये सब सारी डिटेल मुझे फाइल की मिल चुकी है। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट है, क्या साइज़ है, कितना क्या है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपली इसको मैंने कंसोल करके दिखाया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल चेंज पे इफ़ अगर हमें ये फाइल मिलती है, ठीक है, अगर हमें ये फाइल मिलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ अपलोडिंग के जस्ट नीचे, जो होगा एक एम्प्टी फाइल होगी हमारी। ठीक है, और सेट सेट फाइल मैं एक बना देता हूँ, सेट फाइल से हमारी फाइल सेट हो जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल नल होगी। ठीक है, बट द मोमेंट मुझे फाइल मिलती है यहाँ पर, मैं सिंपली क्या करूँगा, सेट फाइल, और उस फाइल में हमारा क्या आ जाएगा, उस फाइल में हमारी जो फाइल मैंने अभी अपलोड करी है वो फाइल आ जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। तो इसका मतलब अब ये फाइल वेरिएबल के अंदर मेरी फाइल आ गई है। जैसे ही मतलब ऑन चेंज होता, हैंडल चेंज होता है, दैट मीन्स जैसे ही हम यहाँ पर कुछ अपलोड करते हैं, और जितनी बार मैं अपलोड करूँगा, अगर मैं नेक्स्ट फाइल कोई अपलोड करता हूँ ये वाली, तो फाइल का नेम यहाँ पर चेंज होके सेट फाइल, फाइल में वो सारी प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब अपलोड में गाइज हमें क्या करना है, देखो अपलोड में थोड़ा सा ट्रिकी काम है। सबसे पहले तो अगर आप देखो कि मैं यहाँ पर सबमिट पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पेज रिफ्रेश हो, तो यहाँ पर हमें सिंपली इवेंट मिलता है एक, जैसे कि मैंने बताया,
ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्म को सबमिट होने से, रिफ्रेश होने से रोकना है, तो मैं हम सिंपली लिखेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, द मोमेंट मैं ये करता हूँ, अब अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर कुछ भी अपलोड करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ अब और आपको एक एक करके चीज़ें समझाता हूँ। जैसे हमारे फायर स्टोर डेटाबेस हमने बनाया था, अभी इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद हमने सिंपली क्या बोला कि जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक करे, सबसे पहले तो आप सेट अपलोडिंग जो है उसको कर दो ट्रू, कि भाई अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अपलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, भले ही अभी अपलोड नहीं हो रही है फाइल, लेकिन हमने तो मतलब अभी बैकएंड का कंसेप्ट इसमें स्टार्ट ही नहीं करा ना, तो हम बोल रहे हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सेट अपलोडिंग हमने यहाँ से कर दी ट्रू। नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं ये जो हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज है हमने जो बनाया था अभी, इसके अंदर फाइल अपलोड हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगी, मैं यहाँ पर सिंपली लूँगा स्टोरेज। स्टोरेज मैंने कहाँ से लिया, अभी जो है फायरबेस की कन्फिग फाइल में हमने ये डिफाइन करा हुआ था। स्टोरेज डॉट रेफरेंस लेगा ये किसका, किसका रेफरेंस लेगा, हम सिंपली बोलेंगे इसको बैक टिक, मैं यहाँ पर गाइज यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। बैक टिक हम बोल रहे हैं एक फाइल्स नाम का फोल्डर होगा, अगर नहीं होगा तो वो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके अंदर हमें क्या अपलोड करना है, डॉलर फाइल, जो कि फाइल हमारी यहाँ पर सेट हुई है कहाँ से, हैंडल चेंज से, जो हमने ये फाइल सेट करी है ना, सेट फाइल, ये फाइल फाइल डॉट उसका नेम आप सेव कर देना उसके अंदर। ठीक है, मतलब फाइल्स के अंदर ये नाम होगा। ठीक है, और पुट, पुट मतलब उसके अंदर पुट कर दो फाइल को, किसको पुट करना है, फाइल को, सिंपली फाइल के अंदर तो कंप्लीट फाइल है, ये जो हमारी फाइल है जो हैंडल चेंज पे आया था, ये तो कंप्लीट फाइल उसके अंदर पुट कर दो, लेकिन उसका नाम क्या होगा, फाइल्स फोल्डर के अंदर वो जाएगा और उसका नाम ये होगा पुट, पुट के अंदर हमने ये कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप पुट कर दोगे देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपली हमें एक स्नैपशॉट मिलेगा, जो भी उसने पुट करा होगा एक स्नैपशॉट हमें मिला, और उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे ही आपने पुट करा उसके बाद हमें एक डाउनलोड का यूआरएल चाहिए होगा ना। देखो चलो अभी के लिए अगर मैं सिंपली इतना करता हूँ और आपको इतना करके दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्नैपशॉट में हमारे पास क्या आया। ठीक है, इतना मैंने अभी करके दिखाता हूँ आपको, अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। द मोमेंट मैं यहाँ पर जाता हूँ, फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, अपलोडिंग, और यहाँ पर आप जाओगे गाइस, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ओके, एक्चुअली मैं कंसोल चेक कर रहा था ना, कंसोल में हमारे पास क्या आया है, अपलोड टास्क ये। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास अभी चीज़ें हो रही हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर स्टोरेज के अंदर मैं हूँ, देखो फाइल्स नाम का फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर जिस नाम की फाइल थी वो अपलोड हो चुकी है। देखो ठीक है, 11 MB की फाइल थी, ये अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं आगे का कंसेप्ट आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर तो फाइल हो गई है अपलोड, लेकिन हमें इसके बाद हमें क्या चाहिए। ओके वन सेकेंड, मैं क्या करता हूँ फिर से पहले फाइल अपलोड करता हूँ। मैंने यहाँ से फाइल अपलोड करा, लेट सपोज ये वाली, एंड अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही अपलोड होती है आप देखोगे फाइल्स फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल अपलोड हो गई होगी, ये देखो फाइल्स फोल्डर के अंदर हूँ, ये अपलोड हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ की हैं, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये इसका डाउनलोड यूआरएल होगा गाइस, जो इसका कंप्लीट यूआरएल खुलेगा ये डाउनलोड यूआरएल होगा। अब हमें ये यूआरएल भी गेट करना है, देखो अपलोड तो हमने कर दिया, अपलोड तो बहुत ही सिंपल है, हमने बोला स्टोरेज के अंदर फाइल्स नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर जो फाइल का नाम होगा उसको सेव कर दो और पूरी फाइल को वहाँ पर डाल दो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप स्नैपशॉट में भी जाओगे तो स्नैपशॉट पर देखो हमें क्या मिल रहा होगा, एक अगर आप जाओगे यहाँ पर तो रेफरेंस स्टोरेज ओके डेलीगेट भी हमें अंडरस्कोर डेलीगेट मिल रहा है हमें, जिसमें बाइट ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। देखो बाइट ट्रांसफर मतलब कितने MB की फाइल है, अंडरस्कोर डेलीगेट
डॉट बाइट ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा कि क्या आप कितना साइज है फाइल का, ठीक है। उसी तरीके से फुल पाथ है जैसे, तो इससे भी हमें मिल जाएगा, एंड डाउनलोड यूआरएल भी यहाँ पर कहीं होता है। तो मैं नेक्स्ट टास्क आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कंसोल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखो डाउनलोड यूआरएल हमें कैसे निकालना है गाइस, हमने सिंपली लिखा स्टोरेज, ठीक है, डॉट रेफ। उसके अंदर हम बोल रहे हैं आप जाओ फाइल्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। फाइल्स फोल्डर का जो चाइल्ड होगा वो चाइल्ड क्या होगा, फाइल डॉट नेम, मतलब ये सेम होगा। ये जो चाइल्ड होगा इसका हमें चाहिए गेट डाउनलोड यूआरएल, ठीक है। इसका गेट डाउनलोड यूआरएल मतलब इसका डाउनलोडेबल यूआरएल हमें चाहिए। जब हमें वो डाउनलोडेबल यूआरएल मिल जाएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली यूआरएल रिटर्न करेगा, ठीक है। जब ये हमें रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा फायर स्टोर का डेटाबेस है यहाँ पर वो डेटा एंटर भी करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, डीबी डेटाबेस हमारा फायरबेस में है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है और ये डीबी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है। मैंने सिंपली बोला डीबी डॉट कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन का नाम कुछ भी होगा, जैसे मैंने लिखा है माई फाइल्स मैंने एक नाम दे दिया। ऐड, उसके अंदर क्या ऐड कर दो, फॉलोइंग चीज़ें, ठीक है। एक तो आप टाइम स्टैम्प ऐड कर दो, टाइम स्टैम्प, ठीक है, हमने बोला टाइम स्टैम्प ऐड कर दो। टाइम स्टैम्प क्या होगा, टाइम स्टैम्प हम सिंपली बोलेंगे फायरबेस, तो मुझे पहले इसको फायरबेस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने बोला फायरबेस, टाइम स्टैम्प क्या होगा, फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प। अब देखो सर्वर टाइम स्टैम्प हम गाइस हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी भी इलाके में हो, आप मुंबई में हो, कोलकाता में हो, आप लंदन में हो, यूएस में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, ये सर्वर का ही टाइम उठाएगा। क्योंकि अगर इसने आपके सिस्टम का टाइम उठा लिया तो हो सकता है कि किसी के सिस्टम का टाइम डिफरेंट हो उस टाइम, है ना। तो ये सर्वर का टाइम हमेशा उठाएगा ताकि हमें ईजिली हो उसको क्वेरी मारने में कि कौन सी फाइल लास्ट में अपलोड हुई है, ठीक है। सो सर्वर टाइम स्टैम्प हमने बोला पहली चीज़, टाइम स्टैम्प। दूसरी चीज़ हम बोलेंगे कि हमें फाइल नेम स्टोर करना है, फाइल नेम। तो फाइल नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, सिंपली फाइल डॉट नेम, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें फाइल यूआरएल हमें अपलोड करना है। तो यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा, ये अभी रिटर्न हो रहा है यहाँ से, देखो यूआरएल, ठीक है, ये हमें यूआरएल मिल गया। और नेक्स्ट हम साइज़ फाइल का कितना है वो भी हमें चाहिए होगा, तो हमें कहाँ से मिलेगा, स्नैपशॉट डॉट, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था कंसोल में, अगर ये कंसोल ओपन होगा तो ये देखो अंडरस्कोर डेलीगेट, ये मैंने लिखा यहाँ पर स्नैपशॉट अंडरस्कोर डेलीगेट डॉट दिस, तो इससे हमें फाइल का साइज़ मिल जाएगा, ठीक है गाइस। और जब ये हमारा सारा अपलोड हो जाएगा, डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा डाउनलोडेबल यूआरएल, उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा सेट अपलोडिंग था उसको हम कर देंगे फॉल्स, मतलब सेट अपलोडिंग अब क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और फाइल को भी एम्प्टी कर देंगे, सेट फाइल हमने बोला आप कर दो नल, और दूसरी चीज़ पॉपअप भी क्लोज़ कर दो, तो दैट मीन्स सेट ओपन को आप कर दो फॉल्स, ठीक है, दैट्स इट, इतना हमें करना है। अब हम एक बारी फिर से अपनी फाइल अपलोड करके देखते हैं। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं स्टोरेज में हमारे पास कितनी फाइल है, एक फाइल है, चलो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये देखो मैंने डिलीट करा, फाइल्स फोल्डर के अंदर आप देख रहे हो अभी एम्प्टी है। मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर से यही फाइल सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अपलोडिंग हो रहा है। द मोमेंट अपलोडिंग कंप्लीट होगी, अपलोडिंग हट के पॉपअप क्लोज हो जाना चाहिए हमारा, देखो पॉपअप क्लोज हो गया। यहाँ पर फाइल्स में रिफ्रेश करते हैं, क्या हमारी फाइल्स आई है, ठीक है, देखो एग्जैक्टली सेम फाइल आई है ना, फाइल अपलोड हो चुकी है। डेटाबेस में चेक करते हैं फायर स्टोर में कि एंट्री हुई है, माई फाइल्स नाम का कलेक्शन कोई बना है, ठीक है, माई फाइल्स नाम का कलेक्शन बना है, उसकी आईडी बनी है, ये देखो फाइल यूआरएल हमारे पास आ गया, ये देखो। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देख पाओगे वो सेम फाइल जो मैंने अपलोड करी है वो आ चुकी है, ठीक है। और फाइल नेम हमारे पास आ चुका है, ये फाइल का नेम है एंड ये साइज़ है एंड ये टाइम स्टैम्प है, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा परफेक्टली हो रहा है, बट अब हमें यहाँ पर डायनेमिक भी करना होगा कि डेटाबेस से जो डायनेमिक हो रहा है वो यहाँ पर भी
सारा दिखता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट जे एस में हम चलते हैं, ठीक है। डेटा डॉट जे एस में, यहाँ से मैं गया डेटा डॉट जे एस में गाइज, और डेटा डॉट जे एस में मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ सेट फाइल्स, जो कि क्या होगा, यूज़ स्टेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ओहो, यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। अभी के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट, एक्चुअली ये रिटर्न के अंदर नहीं, रिटर्न के बाहर होगा, एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं गाइस, जब भी कोई टाइनी से चेंजेस हों, ठीक है, मतलब हमारा ये ऑलरेडी रेंडर हो चुका है अभी एचटीएमएल, ठीक है। हम चाहते हैं एचटीएमएल रेंडर होने के बाद अगर हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, भाई रेंडर हो गया, हम बार बार रिफ़्रेश तो करेंगे नहीं ना, क्या क्या पता मैंने ऐप खोल रखी हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ रिफ़्रेश। तो हमने बोला जब भी कुछ HTML रेंडर होने के बाद अगर हमें कुछ भी परफॉर्म करना है, तो हम सिंपली उसमें यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हो मतलब आफ्टर रेंडर तुम क्या करना चाहते हो। तो हमने सिंपली यहाँ पर बोला ये क्लीन अप वगैरह मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, एम्प्टी डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली बोला अब जाओ डेटाबेस में, मैंने डेटाबेस को इम्पोर्ट करा, कलेक्शन में जाओ, कौन से कलेक्शन में आप जाओगे, जो मैंने अभी क्रिएट करा था माई फाइल्स, ठीक है, उस कलेक्शन के अंदर आप जाओगे, और ऑन स्नैपशॉट, ऑन स्नैपशॉट पे आपको एक स्नैपशॉट मिलेगा, वो से ये तो आपको पता ही है, एक ऑन स्नैपशॉट पे आपको एक स्नैपशॉट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, सेट फाइल्स जो कि हमने वो ऊपर डिफाइन करा है, और सेट फाइल्स के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, स्नैपशॉट के अंदर हमें क्या मिलता है, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स। ये अब देखो यहाँ पे ये डॉक्स मिली है ना डिफरेंट डिफरेंट, अभी ये एक डॉक है, इस डॉक्स को हम लूप थ्रू करेंगे, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स। कैसे लूप थ्रू करते हैं, मैप के थ्रू, इसने हमें एक सिंगल डॉग दिया, इसको हमने सारे जैसे लूप करा, इसने हमें एक सिंगल डॉग दी ये वाली, जब इसने ये हमें डॉग दी तो हमने सिंपली बोला आप क्या कर दो, आईडी की जगह तो आप सिंपली सेट कर दो डॉग डॉट आईडी, बाकी डेटा में आप सारा डॉग डॉट डेटा सेट कर दो, ठीक है। इतना हमने बोला। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन फाइल्स को जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, देखो अभी यहाँ पर ये फाइल नेम ये 3 टाइम्स आ रहे हैं ना, इसको मैं हटा के 1 टाइम कर देता हूँ, तो ये हमारी 1 टाइम फाइल्स दिख रही है, डेटा ग्रिड, डेटा फाइल आइटम, मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। तो डेटा फाइल आइटम में मैं आया, यहाँ पर मैंने सिंपली बोला फाइल्स डॉट मैप, मैप थ्रू करो जो जो हमें डेटा मिल रहा है, ये हमें एक सिंगल फाइल रिटर्न करेगा, ठीक है। इसने हमें एक सिंगल फाइल रिटर्न करी, और यहाँ से हमने सिंपली बोला कि आप क्या करो, रिटर्न कर दो क्या ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे अब हमें फ़ाइल का नेम लेना है, तो हमें सिंपली कैसे मिलेगा फ़ाइल का नेम, यहाँ पे हम सिंपली जो पी के अंदर है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल डॉट डेटा डॉट क्या था फाइल नेम, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, फाइल डॉट डेटा डॉट फाइल नेम, ठीक है। ये मुझे मिल गई यहाँ से फाइल, फाइल का नाम, ठीक है। और लेट्स सी फाइल का नेम मिला, नहीं मिला फाइल का नेम, फाइल्स डॉट मैप फाइल, ओके, फाइल डॉट डेटा डॉट फाइल नेम, नहीं मिलना तो चाहिए, डेटा कुछ तो अच्छा, ओके यार यहाँ पर ये एक्चुअली फंक्शन होना था इसने, ये देखो फाइल का नेम आ गया ना, जो हमारे सेम डेटाबेस में फाइल का नेम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, सेम चीज़ें हमें यहाँ पर भी लूप थ्रू करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट होगा, जैसे कि अभी मेरा ये है रो, मैंने इसको करा लूप थ्रू, ठीक है। हमने बोला क्या रिटर्न करो, ये सारी पूरी डिव को रिटर्न कर दो यहाँ पर, और इसको कर दो क्लोज, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं आया अभी, फाइल्स डॉट मैप फाइल, एंड इसने रिटर्न करा दिस, और नेम में मैं सिंपली उसी तरीके से लिखता हूँ फाइल डॉट डेटा डॉट नेम, लेट्स सी फाइल डॉट डेटा डॉट नेम,
ऑनर मम्मी आएगा, एंड फिर यहाँ पर हमें अगर टाइम स्टैम्प निकालना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, न्यू डेट, ठीक है, और डेट कौन सी होगी, फाइल डॉट डेटा डॉट टाइम स्टैम्प, में हमारा टाइम स्टैम्प आ रहा है, यू नो दैट, ठीक है, और मैंने लिखा सेकेंड्स, निकालो उसको, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, डॉट टू यू टी सी स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो यहाँ पर हमारी फाइल आ गई, टाइम आ गया, लेकिन नेम नहीं आया। ओके, फाइल नेम है ना ये, तो ये देखो फाइल का नेम आ गया, ये एक्चुअली हमें इस साइड रखना चाहिए, क्यों, ठीक है, फाइल का नेम आ गया, ऑनर आ गया, लास्ट मॉडिफाइड एंड 1 GB। अब फाइल का साइज़ हम कैसे निकालेंगे गाइज, फाइल का साइज़ निकालना मतलब बहुत ही, मैंने क्या करा है कि स्टैक ओवरफ्लो से एक कोड कॉपी कर दिया था, तो मैं आपको वही कोड सेम टू सेम यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं चलता हूँ यहाँ पर जहाँ पर मेरे रिटर्न की स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कोड को। ठीक है, एक्चुअली ये फंक्शन रिटर्न के बाहर ही होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट बाइट, इसने क्या लिया, बाइट्स लिया, डेसिमल ये करा, और इसने मतलब KB, MB, GB, TB, PB इन सब में कन्वर्ट कर दिया, जो भी साइज़ होगा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं सिंपली चलता हूँ नीचे, साइज़ मुझे कैसे निकालना है, मैंने सिंपली इस फंक्शन को करना है कॉल, और इस फंक्शन के अंदर अपना साइज़ पास कर देना है, जो मेरा था डेटा डॉट साइज़। द मोमेंट मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे 590.85 KB की फाइल है, ठीक है। तो अगर हम एक फाइल और अपलोड करते हैं कोई सी भी, और यहाँ पर लेट सपोज मैं ये वाली अपलोड करता हूँ, अपलोड एंड अपलोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, यहाँ पर दो फाइल आ चुकी हैं, और ये दूसरी फाइल मेरी 746 KB की यहाँ पर ये अपलोड होकर आ चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये मतलब बहुत ही सिंपल था कि आपने किस तरीके से इसको अपलोड करवा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा गाइस काम, अगर आप मतलब अगर आप चाहते हो कि लेट्स सपोज आप चाहते हो कि इसके क्लिक करने पे वो फाइल आपको दिख भी जाए, तो वो तो बहुत, वो भी फिर बहुत ही ईजी है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, या फिर यहाँ पर आप जो ये पी टैग है, इंसर्ट आइकन है, यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, ए टैग दे सकते हो, HREF दे सकते हो उसमें, और उसका टारगेट आप कर सकते हो ब्लैंक, ठीक है, और इसको पूरे को ए से रैप कर सकते हो, और यहाँ पर आपको पता ही है डाउनलोड URL भी हमारा सेव हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये चीज़ कॉपी कर लो, और डाउनलोड URL का नाम हमने क्या दिया था, फाइल URL, है ना, मैंने लिखा फाइल URL। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये देखो फाइल का URL भी हमारा आ रहा है, मगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो न्यू टैब में मेरी वो सेम फाइल ओपन हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। इतना पार्ट भी हमारा गाइस कंप्लीट। ओके नेक्स्ट, मुझे पता है आप लोग क्या चाहते हो कि विदाउट विदाउट ऑथेंटिकेशन के ये हमारी ऐप ना खुले, तो वो तो बहुत ईजी है, और इसमें गाइस मैंने कोई रिडक्स कॉन्टेक्स्ट API वगैरह यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मुझे सिंपल बनाना था, तो मैंने सोचा कुछ सिंपल तरीके से इसमें किया जाए। तो इसके लिए देखो बहुत ही ईजी है गाइस, ऑथेंटिकेशन तो हम कर ही रहे हैं, आप सबको पता ही है, आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर हम चलते हैं हमारी ऐप की मेन डायरेक्टरी कौन सी है, app.js ना, तो मैं सिंपली app.js में चलता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाता हूँ यहाँ पर, आप भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें यूज़र ज़्यादा जगह नहीं चाहिए ना, सिर्फ यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए, तो इसलिए मैंने कोई भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करा, मैंने सिंपली लिखा यूज़र, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया सेट यूज़र, ठीक है, और यहाँ पर मैंने यूज़ करा यूज़ स्टेट का, ठीक है, और यूज़ स्टेट में मैं चाहता हूँ कि बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र अभी नल है, ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे कंडीशन चेक कर लेता हूँ, सिंपली हेडर के जस्ट नीचे मैंने सिंपली लिखा यूज़र अगर है तो ये जो पार्ट है
इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये वाला पार्ट कॉल हो जाएगा। अगर यूज़र नहीं है तो हमारा ये वाला पार्ट कॉल हो जाएगा, जिसमें मैं सिंपली एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास नेम होगा, मैंने लिख दिया लॉग इन रैप, ठीक है, लॉग इन रैप। और यहाँ पर मैं एक IMG दे देता हूँ जिसका SRC, और फिर एक बटन दे दूँगा, ठीक है, जिस पे मैं सिंपली लिखूँगा लॉग इन टू गूगल ड्राइव क्लोन, ठीक है। तो और इमेज में मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ गूगल ड्राइव लोगो, यहाँ पर चलते हैं और कोई सा भी लोगो उठा लेता हूँ, लेट सपोज मैं इसी को उठा लेता हूँ अभी के लिए, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो लेट्स सी, हमारी ऐप देखो लॉग आउट हो चुकी है, अभी लॉग इन नहीं है क्योंकि हमारा हमारे पास यूज़र है ही नहीं, तो हमारी ऐप लॉग इन नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर थोड़ा बहुत CSS करनी है तो इसकी CSS भी हम कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ कि सिंपली ये जो लॉग इन वाला है इसकी CSS कॉपी कर लेता हूँ, और ताकि CSS में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं चलता हूँ index.css, हमारी जो है यहाँ पर नीचे index.css में चलता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सिंपली बोला जो विड्थ होगी लॉग इन रैप के अंदर IMG होगी वो 100 पिक्सल की होगी, लॉग इन रैप का बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक होगा, पैडिंग 20 पिक्सल, विड्थ 400, मार्जिन डिस्प्ले फ्लैक्स ये सेंटर होना चाहिए और बटन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बन के आ गया है, या फिर हम इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ तो हमारे पास ऐसा कुछ लॉगिन स्क्रीन बन के आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, सिंपली app.js में हम चलते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, app.js में मैं गया और app.js में मैंने सिंपली, ये क्या हो गया, इतने बड़ा URL आ गया इमेज का, खैर एनीवे, मैंने यहाँ पर बोला ऑन क्लिक पे हमें सिंपली क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है जो होगा साइन इन, ठीक है, जो होगा साइन इन। अब साइन इन यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, ऊपर रिटर्न के जस्ट ऊपर मैंने लिखा कॉन्स्ट साइन इन इज इक्वल टू, एक फैट एरो फंक्शन मैंने बनाया और इसमें मैंने लिखा सिंपली ऑथ, ऑथ हमारा कहाँ से आएगा, फायरबेस से मैंने एक्सपोर्ट करा था, है ना, मैंने लिखा साइन इन विद पॉपअप, ठीक है, साइन इन विद पॉपअप, और कौन सा पॉपअप खोलना है वो हमारा प्रोवाइडर बताएगा, ठीक है, गूगल वाला पॉपअप खोलना है। देन जब वो पॉपअप खुलेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यूज़र मिलेगा, ठीक है, और द मोमेंट हमें यूज़र मिलेगा, यूज़र को हम यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, हमें यूज़र मिला और यूज़र को अंदर हमने सिंपली क्या कर दिया, सेट यूज़र में हमने जो यूज़र हमें मिला उसको हमने कर दिया सेट, ठीक है। और अगर कोई एरर आती है, अगर कोई एरर आती है तो सिंपली हम अलर्ट कर देंगे, एरर डॉट मैसेज, ठीक है, ये हमारा सिंपली काम इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो पॉपअप खुलता है नहीं खुलता है, ये देखो हमारा पॉपअप ऑब्वियसली खुल रहा है, और ठीक है एक चीज़ और करना है पॉपअप खुलने से पहले, जैसे ही हमें यहाँ से यूज़र मिलेगा तो ये यूज़र को गाइज हम, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेडर के अंदर यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ फ़ोटो URL हमें मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कहाँ से मिलेगा, यूज़र डॉट फ़ोटो URL से हमें यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। और मैं चलता हूँ अपने हेडर में, ये फ़ोटो URL होगा हेडर में, इसको एज अ प्रॉप्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ फ़ोटो URL, और जो मेरा एवेटार होगा ये इसके SRC में मैं लिख देता हूँ, ये हमारा फ़ोटो URL होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और ये पॉपअप यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ऐप को रिफ्रेश करते हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो मेरा पॉपअप खुलेगा, मैं किसी भी अकाउंट से, लेट सपोज मैं कैमल कोडर से लॉग इन करता हूँ, तो आप देखोगे हेडर में मैं, ये देखो एज अ कैमल कोडर लॉग इन हो चुका हूँ, ठीक है गाइज। तो अगर इसका सोर्स कोड अगर गाइज आपको चाहिए होगा या किसी भी क्लोन का सोर्स कोड चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हर क्लोन के सोर्स कोड का, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही छोटा अमाउंट है पे करने के लिए, और आपको वो सोर्स कोड जो है द मोमेंट आप पे करोगे आपको सीधा आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
तो बाकी गाइस अगर आपको क्लोन अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिनको भी रिएक्ट सीखनी है उनके साथ शेयर ज़रूर करें। काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोन आगे आने वाले हैं, ना कि सिर्फ रिएक्ट के गाइस, आगे जो है हमारे मन स्टैक के प्रोजेक्ट आ सकते हैं, अभी नेक्स्ट JS के प्रोजेक्ट आ सकते हैं। तो यार अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।